हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड, ओके। तो ये जो वीडियो है, ये करंट अफेयर्स का दिसंबर महीने का सेकंड पार्ट है, और इसमें एक एक जो कुछ भी मैंने चीज डिस्कस की है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज जरूर से याद रखिएगा और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और आरओ की परीक्षाओं के लिए जो मैं सीरीज चला रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? जिससे कि आप सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट मोबाइल पर पाएंगे, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कुंभ मेले का आयोजन होना है 2019 में, ठीक है? तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? प्रयाग में, ओके? इसका लोगो लॉन्च कर दिया गया है, और जो यूपी टूरिज्म की टैगलाइन है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी का एग्जाम होना है। तीन चार जो यूपी एग्जाम होने उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ठीक है? और जो ये जो कुंभ का मेला होता है वो चार जगह पे आयोजित किया जाता है, प्रयाग में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? तो याद रखिएगा, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ठीक है? इसके अलावा एक ओएसटीएस पोर्टल का शुभारंभ किया है। ओएसटीएस पोर्टल किसने किया? ये यूपी पर्यटन विभाग ने किया है। तो अगर आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी पर्यटन विभाग से पर्यटक जो प्लेसेस हैं उनके बारे में तमाम सारी जानकारियां मिलेंगी, ठीक है? तो ये ओएसटीएस पोर्टल, ये यूपी पर्यटन विभाग का पोर्टल है। सभी एक एक क्वेश्चन है जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद नवीन सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत राज्य सरकार द्वारा किस क्षेत्र में मेगा सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है? तो ये बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में मेगा सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? देन भारत ने किस देश के साथ सूचना, संचार एवं मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है? इथियोपिया, इथियोपिया पे के साथ सूचना, संचार एवं मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया इंडिया ने, ठीक है? इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 64वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है? तो रघु राय, इनको फोटोग्राफी के लिए जो नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड थे उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया, रघु राय, ठीक है? इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, 64th, उसका आयोजन कहां किया गया? पहली बात तो दिल्ली में। ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? कसाव, कसाव द टर्टल, ठीक है? कासव, ठीक है? इसके बाद कासव है, कसाव नहीं है, कासव, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कासव, ठीक है? इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, इनकी कौन सी मूवी थी? नेवी ऑफिसर का रोल प्ले किया था, तो फिर नाम नहीं याद आ रहा, रुस्तम, हाँ रुस्तम, ठीक है? ये रुस्तम में इनको, इनकी भूमिका के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको दिया गया है। ये मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री हैं, सुरभि लक्ष्मी नाम है इनका, ठीक है? मलयालम फिल्मों में इन्होंने काम किया, सुरभि लक्ष्मी नाम है, ओके? तो इसलिए याद रहेगा आपको, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके बाद वर्ष 2016 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है? के विश्वनाथ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखो, तो मैं महीने के भी जो वीडियोस लाता हूं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं, है ना? तो आप स्किप मत करना, क्योंकि यार ये नहीं है कि कोई महीने का आया है तो मैं उसमें 200, 300, 400 कुछ भी उठा लूंगा, ऐसा नहीं होता। जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको वही मिलेगा। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए प्रश्नों को अपने इसमें वीडियोस में नहीं लेता हूँ, वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो अच्छे होते हैं, और अगर मुझे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो फिर मैं वीडियो अपलोड भी नहीं करता हूँ। आप लोग देखते होंगे कई बार दो दो तीन तीन दिन का गैप हो जाता है, वो इसीलिए होता है, मुझे अगर अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो मैं उनको अपलोड नहीं करता हूँ वीडियो, ठीक है? अब जैसे 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है, अपने वीडियोज में, तो इसका आंसर मुझे आप लोग दे दोगे, ठीक है? देन हाँ, इसके बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, ठीक है, ने गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों में प्लास्टिक से बनी चीजों को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। एक्चुअली जो उत्तराखंड तक जो भी सिटीज पड़ते हैं वहां पे भी प्लास्टिक के जो ये चीजें हैं प्लास्टिक की बनी, उनको पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया। अगर कोई स्टोर करके भी इनको रखा हुआ है ना,
तो उसको भी फाइन लगेगा, तो ये 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा इनके ऊपर, ठीक है। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने स्कॉर्पियन श्रेणी के स्वदेश निर्मित प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी को राष्ट्र के को समर्पित किया है। यह भारत सरकार के द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से निर्मित है, ठीक है। फ्रांस ने हेल्प की है INS कलवरी के निर्माण में, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, ये ऐसे ये पनडुब्बियां बननी है इसके अंदर, उनके निर्माण के लिए प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। 3 तलाक का जो विधेयक था उसमें सबसे पहले किसने हामी भरी, उत्तर प्रदेश ने। इसके बाद कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसको शामिल किया गया यूनेस्को की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में शामिल किया गया, शामली, ठीक है। इसको भी डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया, हसन रूहानी। ये पूरा मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो जो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं पूरा देखिए इसको, इसमें पूरा मैंने आपका चाबहार का वो पूरा लिया हुआ है ना, और इसको पूरा अच्छे से एलेबरेट किया है, ठीक है। चाबहार बंदरगाह के प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया है, हसन रूहानी। इसके बाद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध 2016 नामक रिपोर्ट, ठीक है, ये एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने लॉन्च की है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित अपराध है, इसमें हत्या के मामले में नंबर वन राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। मर्डर सबसे ज्यादा कहां पे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक अपराध के मामले भी कहां है, यूपी में, वेरी गुड। इसके बाद महानगरों में सर्वाधिक अपराध कहां पर है, दिल्ली, ठीक है। सबसे ज्यादा अपराध कहां पर हुए, दिल्ली में 38.8%, ओके। इसके बाद सबसे ज्यादा रेप केस कहां पर हुए, एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है, ओके। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। AIIB एशियाई ढांचा निवेश बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तीसरी वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, मुंबई, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण को समाप्त करने वाला पहला देश बना है, नॉर्वे, ठीक है। ये भी पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, ओके। देन हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना हुआ है, ठीक है, द साइलेंस ब्रेकर्स। ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइलेंस ब्रेकर क्या हुआ था कि ये एक अभियान चला था जिसमें जो है ये जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जो शोषण यौन उत्पीड़न हुआ है महिलाओं का, तो उसके विरुद्ध ये एक साइलेंस ब्रेकर नाम का एक अभियान चलाया गया था, है ना। सब लोग अपनी साइलेंस को ब्रेक करके अपने जो ऐसे बुरे अनुभव थे तो वो लोग उसके बारे में बता रहे थे, तो वो जो जो भी महिलाएं हैं जो लोगों ने ऐसा किया है उन सबको, उन सबके ग्रुप को द साइलेंस ब्रेकर बोलते हैं, तो उसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2017 के लिए। इसके बाद आर्थिक परिदृश्य की इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। भारतीय आर्थिक संघ IEA के 100वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देन हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहरिया, बैगा और भारिया, ये विशेष पिछली जनजातियां, तो आप पहले तो याद रखो सहरिया, बैगा और भारिया कहां की जनजातियां हैं, ठीक है, जनजाति, इनके जनजाति के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति हेतु प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया, कहां पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आप बता सकते हो सहरिया, बैगा और भारिया ये कहां की जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश की, तो इन जनजातियों के जो बच्चे हैं तो उनको कुपोषण से बचाने के लिए 1,000 रुपए पर मंथ की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ऐसा यहाँ की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। इसके बाद हाल ही में किस पूर्वी देश ने बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह है साउथ कोरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछी जा सकती है आपसे। देन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 7.2% बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो 7.2% अनुमानित है 2018 में, और जबकि चीन का अनुमान लगाया गया 6.5%, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत पूर्वानुमानित की है, 6.7%, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो UN ने कितनी करी है, 7.2%, ठीक है, फिच ने कितनी करी है, 6.7%, ओके।
देन मॉर्गन स्टेनली ने कितने की है 7.5%। ठीक है, देन हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने किस राज्य में राजमार्गों के निर्माण के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के राजमार्ग के निर्माण के लिए एडीबी ने $346 मिलियन का लोन दिया हुआ है। हाल ही में किस मुद्रा के नोट ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, 1 रुपए के नोट ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, इसको 30th नवंबर 1917 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जब ये नोट लॉन्च किया गया था तो इस नोट पे जॉर्ज पंचम की फोटो छापी गई थी, इतना बहुत है। ठीक है, ओके, देन रक्षा और विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित पृथ्वी एडवांस्ड एयर डिफेंस आर्ड, ठीक है, आर्ड सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण बालासोर में किया है। ठीक है, तो ये है क्या आर्ड, ये जो आर्ड है ये बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल समझते हो ना, देखो तो मिसाइल दो टाइप की होती है, बैलिस्टिक और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या होता है कि वो बहुत ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है, और मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ऊपर तक जाती है और इस उसमें जाके हिट करती है टारगेट को प्रोजेक्टाइल बना के। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो क्या होती है, जो जैसे ऊपर जाएगी स्ट्रेट ऊपर जाती है और फिर यहां पे जाके टर्न लेती है। ठीक है, तो यहां पे जाके ऐसे वो शार्प टर्न लेगी, ये होती है क्रूज मिसाइल। तो जो ब्रह्मोस है वो हमारी क्रूज मिसाइल है, ठीक है, और जो पृथ्वी है अग्नि है ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये बहुत इनकी रेंज बहुत लंबी होती है, रेंज लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये बहुत ऊपर से जाके हिट करती है, और ये ब्रह्मोस है वो ये सतह के पैरेलल चलती है, और ये गाइडेड मिसाइल्स होती है, पीछा करती है, पर ये गाइडेड मिसाइल्स नहीं होती, इनका टारगेट फिक्स कर दिया तो वहीं पे जाके लगेंगी, अगर ये मूव कर रहा है इधर उधर चला गया तो वो उसको छोड़ देंगे, तो ये चीजें होती है। तो अच्छा, ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली क्या होगी, इसमें क्या होगा, जैसे कोई मिसाइल मान लो आ रही है, ठीक है, कोई मिसाइल आ रही है बैलिस्टिक मिसाइल किसी ने छोड़ी हुई ऊपर से, तो ये आठ बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होगा, ये जब कुछ होगा तो यहां से निकल के वो मिसाइल को नष्ट कर देगा, ऊपर ही हवा में ही उसको ब्लास्ट कर देगा। तो ये आठ है बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। ठीक है, देन नसीम अल बहार नामक द्विपक्षीय अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के जितने भी अभ्यास होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भारतीय नौसेना तथा ओमान की शाही सेना के बीच नसीम अल बहार नामक द्विपक्षीय अभ्यास किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर संपन्न हुआ, ये भारत तथा ब्रिटेन, ये कई बार पूछ चुका हूं मैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजय वॉरियर भारत तथा ब्रिटेन के बीच। ठीक है, देन विश्व का पहला पॉलिटिकल रोबोट कहां विकसित किया गया, ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, न्यूजीलैंड में किया गया, इसका नाम है सैम। ठीक है, और इसको इन्वेंटर कौन है, निक। ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी समाज से रिलेटेड, जिसकी जैसे जो एक राजनेता होता है वो उन निर्णयों को लेता है, और कई बार राजनेता उसमें करप्ट भी होते हैं तो बैड डिसीजन भी लेते रहते हैं, पर ये चीज सैम के साथ में नहीं होगी, इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर फिट किया गया है कि इस तरीके के निर्णय ले सकता है। ठीक है, और ऐसा तो मैंने ऐसे पढ़ा था कि इसको नेक्स्ट इलेक्शन में भी ये लोग खड़े करने वाले हैं, खैर देखते हैं क्या होता है ना। तो इसके बाद सैन्य अभ्यास इक्वेरिन 2017 किसके मध्य आयोजित किया गया, ये भारत तथा मालदीव के बीच आयोजित किया गया। तो तीन सैन्य अभ्यास के बारे में मैंने आपको बताया है, तो वो आप जरूर याद रखना। ठीक है, इसके बाद खेल परिदृश्य से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे डेविस कप 2017 का विजेता कौन है, फ्रांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक टूर्नामेंट है टेनिस के लिए। ठीक है, तो उसका विजेता कौन है, फ्रांस, ये 10वीं बार इसको जीता है इसने। ठीक है, यूएस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 बार जीत चुका है डेविस कप को। ठीक है, देन वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे, बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, 2022 के। ठीक है, इसके बाद कौन से दो देशों को टेस्ट खेलने वाले क्रमशः 11वें और 12वें देश बने, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, कौन से दो देश हैं जो टेस्ट खेलने वाले 11वें और 12वें देश बने, तो 11वां देश है अफगानिस्तान, 12वां है आयरलैंड। तो इन दोनों के बीच में सीरीज कहां आयोजित की गई थी, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये सीरीज ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी, जिसे अफगानिस्तान ने जीत लिया था, विजयी कौन रहा था, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पार्ट टू के ये मैंने डिस्कस किए, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मंथली वाले वीडियोस भी डालता हूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, अभी इसका पार्ट थ्री भी आएगा। ठीक है, मैं ज्यादा लंबे लंबे नहीं बना रहा हूं, छोटे ही बना रहा हूं, जिससे कि आप लोग
बोर भी ना हो और जल्दी से कवर फास्ट भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही आप मेरा जो आरओ के लिए जो ग्रुप है टारगेट यूपी पीएससी आरओ एआरओ, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करेगा, ठीक है। और आपको इस ग्रुप पे सारे ये वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और ये सारी पीडीएफ भी आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।